नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। 29 सितंबर को आपका आरआरबी पीओ के मेंस का एग्जाम है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे। आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होगा, एबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होगा, एबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ की भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली है। अब ओवरऑल अब जब हम लोग तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो वो स्ट्रेटजी जो अपनाते हैं वो एक दरकिनार करते हुए आज हम लोग एक नई चीजों को बताने वाले हैं। आज आप लोगों के एग्जाम्स की, यानी कि मेंस के एग्जाम्स की तैयारी के लिए कुछ जनरल अवेयरनेस का टॉपिक वाइज वेटेज बताऊंगा, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा सा, जो मेहनत होती है कि जब आप तैयारी करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अलग अलग चैनल पे जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट के थ्रू आप कंटेंट जुटाने की कोशिश करते हैं, इसमें बहुत सारे समय लग जाते हैं आपके। आज मैं आपके समय को बचाने वाला हूँ, आपके मेहनत को बचाने वाला हूँ। मेहनत पूरी तरीके से कीजिए, स्मार्ट तरीके से कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो ओवरऑल यहाँ पे एनालिसिस की गई है कि पिछले 2023-2024 का जो एग्जाम हुआ है, यानी कि अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो 2023 और 2024, क्योंकि 2024 में भी एग्जाम हुए, एसबीआई के एग्जाम हुए। अब इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली होगी कि सर आपको कैसे मालूम, ऑब्वियस बात है पूरे साल का पेपर उठा के देखो और उस पेपर को उठा के देखने के बाद आपको एनालिसिस करना है और आपको टॉपिक चुनना है, अपने आप पता चल जाएगा। तो ये सारी मेहनत आपको नहीं करना पड़े, मैंने आपके लिए मेहनत कर दी है। तो सबसे पहले 2023-2024 के जितने भी टॉपिक वाइज वेटेज है उस पर डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आपको कुछ एक आइडिया लग सके कि हम लोगों को किस क्षेत्र में, यानी कि जनरल अवेयरनेस तो पढ़ना ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कहां से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं ये प्रेडिक्शन लग जाएगा। और ये मैं 2023-2024 का नहीं बता रहा हूँ, 2022-2021 वाला भी मैं बताऊंगा, यानी कि 2021-2022 वाला भी मैं आपको बता सकता हूँ और 2021-2020 का भी बता सकता हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीजों को एनालिसिस करके आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि किस टॉपिक से क्या चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने टॉपिक जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि जो जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस का जो करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट होता है, अक्सर बच्चे करंट अफेयर्स तो पढ़ते हैं लेकिन करंट अफेयर्स कहां से कितना कौन सा पोर्शन पढ़े, मतलब जनरल करंट अफेयर्स भी फेल कर पढ़ना शुरू कर देते हैं कि यार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई एक सही डायरेक्शन में, सही टॉपिक वाइज जब आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट भी निकल कर आता है। जनरल अवेयरनेस का या करंट अफेयर्स का अगर हम लोग पार्ट देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मैं अगर एक परसेंटेज निकाल के दिखा रहा हूं, मान लो 40 क्वेश्चंस आपके आरआरबी में आए, ठीक है, और इसी तरीके से आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, पीओ क्लर्क, एसबीआई क्लर्क पीओ, तो एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग तो क्वेश्चन आए होंगे, है ना। तो उनका एक ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चन निकाल लो और उस 100 क्वेश्चन में से मैंने परसेंटेज वाइज निकाल दिया, तो ओवरऑल मान के चलो कि सारे के सारे एग्जाम्स में 100% में से कितने परसेंटेज क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ में लगाते हो, ठीक उसी तरीके का यहाँ पे प्रेडिक्शन है। तो ये अगर देखा जाए तो बैंक और फाइनेंस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, चाहे आप आरआरबी का उठा लो, चाहे आईबीपीएस का उठा लो, चाहे एसबीआई का उठा लो, इवन आप आरबीआई असिस्टेंट का भी उठा लोगे तो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल से रिलेटेड लगभग लगभग अगर 100 में से देखा जाए तो 100 में से लगभग 25% पूछे गए, 25%। ये बहुत बड़ा मार्जिन है कि अगर एक एग्जाम से बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन 25% तक आ रहे हैं। और आप लोग क्या करते हो, बैंकिंग और फाइनेंस को छोड़ के जनरल करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर देते हो। जनरल करंट अफेयर्स एक अलग चीज हो जाती है और बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स एक अलग चीज हो जाती है। नेशनल अफेयर्स में देखा जाए
तो नेशनल अफेयर्स में भी फाइनेंस से रिलेटेड और करंट बैंकिंग से रिलेटेड आपके लगभग लगभग 21% क्वेश्चन आए। इंटरनेशनल अफेयर्स अंतरराष्ट्रीय समाचार के मामले में यहां पे देखा जाए तो 7% पूछे गए हैं। करंट स्टैटिक, लोग कहते हैं कि करंट स्टैटिक जीके आता नहीं, तो करंट स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड अगर देखा जाए तो 4 से लेके 5% क्वेश्चन पूछे गए। ठीक इसी तरीके से स्टैटिक बैंकिंग, लोग बैंकिंग अवेयरनेस को भूल जाते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई करते ही नहीं, तो स्टैटिक बैंकिंग से भी अगर देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 से 5% देखा है। अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन को याद करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो 4 से 5% यहाँ पे भी पूछा गया है। ठीक उसी तरीके से स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं, 4% कह सकते हैं हम लोग। स्टैटिक जीके का पार्ट जो कि प्योर स्टैटिक जीके के, लाइक करेंसी क्या है, राजधानी क्या है, ठीक है किसी देश की मुद्रा क्या चल रही है, इस तरह से, तो यहाँ पे स्टैटिक जीके का भी पार्ट यहाँ पे देखा जाए तो स्टैटिक जीके का पार्ट 4% के आसपास क्वेश्चन आए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे 2% आए। इंडेक्स और रिपोर्ट के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो 2% दिखा रहा है, और स्कीम से, योजनाओं से रिलेटेड 2% क्वेश्चन आए, बिजनेस से संबंधित 2% क्वेश्चन आए, अपॉइंटमेंट और रिजग्नाइजेशन से लेके 2% से लेके 3% क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन पूछ लिए, यानी कि कोर इकोनॉमी के भी क्वेश्चन आ गए, इसमें से 1% क्वेश्चन आए। बाकी मिसलेनियस में अगर देखा जाए तो मिसलेनियस में बाकी आपके बजट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, ऑबिट्री हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, समिट हो गया, विजिट हो गया, एक्विजिशन एंड मर्जर हो गया, बुक्स, ऑथर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट इत्यादि, तो ये मिसलेनियस में हम लोगों ने काउंट किया है। तो बाकी अगर देखें तो 2 से 4% अगर काउंट करें तो 2% के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन आए। तो सबसे बड़ा पार्ट आपको कहां से देखने को मिल रहा है, बैंकिंग और फाइनेंशियल से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आपकी एनर्जी आपको लगानी है तो आपको अपनी एनर्जी कहां पे लगानी है। सबसे ज्यादा बैंकिंग और फाइनेंशियल क्षेत्र का जो भी चीज है, हो सके तो 3 से 4 महीने के जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल से रिलेटेड चीजें उसको पढ़ डालिए, रट डालिए, जो भी कर सकते हो वो कर डालो। नेशनल अफेयर्स सबसे बड़ा पॉइंट है, 21% पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल अफेयर्स 7% आ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय, जैसे कि प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, प्रेसिडेंट नियुक्त हुए, करेंसी क्या है और कौन कौन से देश में क्या चल रहा है इत्यादि। यहाँ पे करंट स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड पूछा गया है 4 से 5%, स्टैटिक बैंकिंग से 4 से 5%, जैसे कि फुल फॉर्म हो गया, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हो गई, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, यूपीआई हो गया, ठीक है इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके कहां से स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड आए। तो ओवरऑल हम लोगों को यहां से इस चार्ट से देखने को क्या मिल रहा है कि अब हम लोगों को अपनी जो कि 2-3 दिन बचे हुए हैं आपके आरआरबी पीओ में और बाकी के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें हमको किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पढ़ना है। पढ़ना तो है, मेहनत तो करना ही है, लेकिन किस फील्ड में सबसे ज्यादा मेहनत करना है जनरल अवेयरनेस के पार्ट पे, ये आपको खुद से तय करना है। सुबह के करंट अफेयर्स में हम लोग यही कवर करवाते हैं कि जो सुबह का 6 बजे का करंट अफेयर्स होता है आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा ये पार्ट, यानी कि बैंकिंग, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट स्टैटिक जीके, स्टैटिक बैंकिंग, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो सबसे मेजर पार्ट है वो सुबह के 6 बजे के करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है। बाकी वेब पोर्टल, एप्लीकेशंस का नाम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमी, रिजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें तो आएंगी आएंगी जो कि आपको जनरली याद भी होती होंगी। तो उम्मीद है कि इस सेशन से आपको कुछ डिसीजन लेने में आसानी होगी, कुछ स्ट्रेटजी बनाने में आसानी होगी, साथ ही साथ इस स्ट्रेटजी को देखते हुए आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हालांकि बहुत कम समय है, लेकिन इस कम समय में ही योद्धा वही होता है जो अच्छे तरीके से अपने दिमागी कसरत के साथ चीजों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।